हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कैसे कम की, कैसे ड्रॉप की। आज से करीब 2-2.5 महीने पहले मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 22% थी, आज मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 13% है। तो ये मैंने कैसे किया, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में कार्ब साइक्लिंग को इंट्रोड्यूस किया, कार्ब साइक्लिंग शुरू की। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कार्ब साइकिलिंग क्या इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती भी है या नहीं एक्चुअली, लेकिन इस कार्ब साइकिलिंग ने मुझे बहुत इफेक्ट किया, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मैंने कैसे इसे यूज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्ब साइक्लिंग की। कार्ब साइक्लिंग होती क्या है एक्चुअली, तो उसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें तीन तरह के मैक्रोज होते हैं। पहला है फैट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्ब्स। तो वो जो कार्ब्स है, सारा खेल उसी का है। तो अब बात करते हैं कि कार्ब साइक्लिंग को यूज कैसे करते हैं। तो जो मेरी कार्ब साइक्लिंग थी, जो मैंने यूज की, मैं वो आपको बताता हूं कि मेरे कार्ब साइक्लिंग में थी 2 दिन नो कार्ब्स, 3 दिन लो कार्ब्स और 2 दिन हाई कार्ब्स। तो हमें ये इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारे एक हफ्ते में ये इजीली सेट हो जाए। जैसे मेरा था, मैंने जो किया वो मैं आपको बताता हूं कि मंडे ट्यूसडे ये मेरे नो कार्ब्स थे, नो कार्ब्स डे। वेनसडे फिर हाई कार्ब्स, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर लो कार्ब्स 3, उसके बाद संडे इट्स अगेन हाई कार्ब्स। अब नो कार्ब्स डे जो मैं बता रहा हूं, नो कार्ब्स डे का मतलब होता है नो कार्ब्स, मतलब जीरो। आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जिस फूड से आपको मिल रहे हैं, आपको वो फूड कंज्यूम नहीं करना है, वो फूड नहीं खाना है। इनमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे नो कार्ब्स डे है, मतलब जीरो कार्ब वाले दिन है जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेना है, उस दिन आपको प्रोटीन और फैट ये थोड़े ज्यादा रखने पड़ेंगे अपनी डाइट में, ताकि हमें काम करने के लिए जो एनर्जी है वो मिलती रहे और हमारा जो मसल है वो लॉस ना हो। फैट जरूर लॉस हो लेकिन मसल लॉस ना हो, इसके लिए प्रोटीन थोड़ा सा हमें हाई रखना जरूरी है। और जब हमारे हाई कार्ब डे है, उस दिन आपको फैट, जिन भी चीज़ों में आप फैट कंज्यूम करते हैं, वो फैट वाली चीज़ों को थोड़ा कम करना है। प्रोटीन थोड़ा कम कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है जब स्टार्टिंग में आदमी इस तरह की कोई चीज़ करता है, तो कई बार मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज़ में कार्ब्स है, कौन सी चीज़ में प्रोटीन है, कितना है। तो वो थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। मुझे भी नहीं मालूम था, पर धीरे धीरे सीखते गए और जब ये चीज़ शुरू की, जब इन चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया, मालूम पड़ता गया। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा, या शो हो जाएगा चार्ट, जो उसमें थोड़ी मैक्रोज के बारे में होगा इन्फॉर्मेशन, तो वो आप जरूर देख लीजिए। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या अपनी डाइट में से हटाना है और क्या क्या थोड़ा ऐड करना है, लो कार्ब्स के दिन या हाई कार्ब्स के दिन या लो कार्ब्स के दिन। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और ज़रूरी चीज़ है कि जैसे आप सोचेंगे कि हमने कार्ब साइक्लिंग शुरू कर दी तो अब हमारा फैट ख़त्म हो जाएगा या वज़न कम हो जाएगा, ऐसा तो ऐसा भी कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि कार्ब साइक्लिंग तो आप कर रहे हैं, इसमें आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, प्लस आपको एक्सरसाइज भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जब दोनों चीज़ें
और उसके बाद जो आपकी है कि आपको कंटिन्यू करना है, ये चीजों को छोड़ना नहीं है बीच में, जहां भी आपने छोड़ दिया तो आपने जो पिछले जितने भी दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी वेस्ट हो जाएगी या उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको कार्ब साइक्लिंग प्लस एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें एक साथ करनी है और कंटिन्यू करनी है, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को शॉक देना है कि जब हम खाना ज्यादा करते हैं, खाना ज्यादा खा लिया या किस दिन कम खा लिया, किसी दिन खाया नहीं, या इस तरह से हम जब शिफ्ट करते हैं अपने खाने को तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी शिफ्ट होता है। जब मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है तो बॉडी रिजल्ट देती, फैट लॉस एक्सट्रीम लेवल पर फैट लॉस होता है। अगर आप प्लस एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर फैट लॉस होगा। और मसल बिल्ड के बारे में कि भाई जहां हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां हम ये फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, फैट लॉस के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसमें मसल बिल्ड के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि मसल बिल्ड और फैट लॉस दोनों एक साथ कैसे करें, और उसके बारे में एक्सरसाइज में क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे एक्सरसाइज में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये वीडियो सिर्फ फैट लॉस के बारे में थी, कार्ब साइक्लिंग के बारे में थी, तो जितनी जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।